गाइस आज मैं जाऊंगी स्कूल वो भी 20 दिन के बाद। और आज मुझे पापा छोड़ने जाएंगे क्योंकि अभी पापा को किताबें भी लेनी है, पूछना भी यहाँ की सेक्शन कौन सा है, मैम का नाम क्या है और नंबर भी लेना है। तो इसलिए पापा मुझे छोड़ने जाएंगे और लेने भी पापा ही आएंगे। और कल से फिर मैं बस पे जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मनु तो स्कूल जा चुकी है, उसके स्कूल खुल गए आज से। खुल तो गए थे 4 से, बट उसके बाद हम गांव में से आए तो इसलिए वो आज ही गई है, कल छुट्टी थी। और दक्ष जाएगा कल से स्कूल, फिलहाल दक्ष अभी घर में ही है। और दक्ष कुछ कह रहा है, लो दक्ष कुछ बोल रहा है, बोलो। पापा मम्मी की स्कूल भी गए, बातें भी कर ले हैं। गुड मॉर्निंग भी तो बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? अभी करनी है मुझे पूजा, नहा चुकी हूँ मैं। और आज मेरा और उनका व्रत है, मेरे तो पूरे रहेंगे 9 के 9, उनके रहेगा खाली फर्स्ट और लास्ट का फास्ट उनका। तो मंदिर तो मैंने कल ही, मंदिर मैंने कल ही साफ कर लिया था। अभी सबसे पहले मैं कान्हा जी को बाथिंग कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करूंगी। बैठे हुए हमारे कान्हा जी अपने बिस्तर में नाइट ड्रेस में ही, अभी अभी इनको उठाते हैं और बाथिंग कराते हैं। आप इस पे नहीं बैठ सकते ना, आप बड़े हो, वो छोटा सा है ना। ये आपका बेड है। अक्ष हो गया अकेले बोर क्योंकि मनु चली गई स्कूल, तो इसने यहाँ पे गिरा दिए हैं सारे खिलौने, चुटर मुटर छोटे मोटे सब, बड़े छोटे बड़े सब खिलौने यहाँ पे है। और अभी अजीत कर रहे हैं नीचे चलो, अब नीचे आ रही है धूप, तो हम कैसे जाएंगे बताओ। ओके पापा आ जाएंगे ना फिर चलेंगे, ठीक है। तो ये अपना बोरियतपन दूर करने के लिए देख रहा है पापा पिग टीवी में, वो भी अभी तक स्कूल से नहीं है, 9:30 हो चुके हैं, आके नहा रहा है, उन्हें पूजा करनी है। और मैंने भी चाय नहीं पी उनके चक्कर में, मैंने कहा इकट्ठा ही पी लेंगे हम दोनों, तो देखता है कितना टाइम लगता है। स्कूल में भी टाइम लग गया, तो कुछ सामान भी लेना था जैसे कुट्टू का आटा, बूरा, घर से मावा लाए थे हम। तो सोच रही हूँ मैं थोड़े पेड़े बना लेते हैं, कुट्टू का आटा वगैरह भी मंगाया है, साबुदाना, तो उसे लेने में भी उन्हें बाजार में टाइम हो गया। कुछ थोड़ा बहुत पूजा का सामान भी रह रहा था वो भी, तो चलिए देखता कितनी देर में। तब तक मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, बाकी बिस्तर इकट्ठा करना, बहुत क्लीनिंग वगैरह वो रह रही है। और ये रजाई है, इस बेड में रखनी है उठा के, बाकी तो उस बेड में आ गया, वो हो गया फुल, खाली ये रजाई रह रही है। उधर मैंने मशीन में कपड़े धोने भी लगा दिए हैं, सूख धुलते रहेंगे फिर सूखते हैं, और देखते हैं क्या करते हैं। तो दक्ष अपने पापा के आते ही मांगने लग गया है चॉकलेट, ना नमस्ते ना दुआ ना सलाम, ओनली चॉकलेट लाए। मिली चॉकलेट फिर? ए बंदे लो जी सरकार पी लीजिए पानी। पानी में तो ब्लॉग मारे हैं। हाँ और पता नहीं भाई, खटर पटर ब्लॉग कर रहे हैं। हाँ मन तो कर ली, मन तो कर ली, नारियल रखना है, आप रखोगे अब जब आप पूजा करो। व्रत है आज आपका, नहा लो है जी। ये है शॉपिंग जो ये करके लाए हैं व्रत के लिए, ये है साबुदाना, कुट्टू का आटा है रिफाइंड, और ये है बूरा। दक्षी वेट, दिखाऊंगी एक मिनट। ये सब ले आए दक्ष के लिए चॉकलेट, खा लो, वन वन करके खाना भी मत, खा लेना सारी, ठीक है। और ये बूरा मंगाया मैंने, और ये तेल है पूजा का, ये कुछ लाए हैं व्रत में खाने की चीज है, ये व्रत में शायद साबुदाना के वो है, ये क्या बोलते हैं चिप्स, ये पेठा है, और ये व्रत की नमकीन है, ये लेकर आए हैं। कुछ ये सामान है, आम के पत्ते और पान के पत्ते और फूल वगैरह, तो ये सब है जो ये शॉपिंग करके लाए हैं। और मन्नू का रिजल्ट वगैरह स्कूल में भी गए थे। टाइम हो चुका है 2:10 है, और इधर मैंने कपड़े धोए थे जो फैला दिए हैं, बाकी ये चादर वगैरह तो सूख चुकी है, और ये चादर तो मैंने काफ़ी देर पहले सुखाई थी तो ये तो सूख चुकी है, इन्हें तय करके रखना है। और ये कपड़े फैला दिए,
और धूप देख लीजिए, बहुत ही तेज वाली धूप हो रही है एकदम। तो मेरा भी मतलब व्रत है, उनका भी मेरा भी, तो मतलब गन्ने का जूस पीने का मन हुआ। वो बोल तो मुझे भी रहे थे कि तू भी चल, पर मुझे कपड़े फैलाने थे और फिर मैंने बोला आप ही चले जाओ, मेरे लिए यहीं पे ले आना पैक करवा के बिना नमक का, क्योंकि व्रत है। दक्ष गया उनके साथ क्योंकि वो मन्नू नहीं है ना, तो दक्ष बहुत परेशान हो रहा है अकेले क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है। मन्नू के साथ अब वो खेलता है, लड़ता भी है पर खेलता भी है, तो वो बोर हो रहा है और चिड़ चिड़ कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो उसे भी घुमा के ले आऊँगा मैं और जूस भी पी के आ जाऊँगा और तुम्हारे लिए लेकर जाऊँगा। मैंने ये खाने में कुछ बनाया नहीं क्योंकि इनका भी व्रत मेरा भी व्रत, दक्ष इतना कुछ खाता ही नहीं है। दूध पी लिया उसने, ये चिप्स लाए थे जो व्रत वाले वो खा लिए, उसका पेट फूल। और मन्नू आएगी तो देखती हूँ, कुछ बोलेगी तो बना दूंगी उसके लिए। शाम को बनाने हैं आलू और कुट्टू की रोटी, ओ इसलिए शाम को ही बन जाएगा अब तो। अभी मुझे पढ़नी है शाम को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, नव दुर्गा पाठ, और दिया मैंने जला लिया इधर, तो मैं पढ़ती हूँ ये वाली बुक अभी क्योंकि सुबह को तो टाइम रहता नहीं, जल्दी रहती है सुबह, तो मैं शाम को ही पढ़ती हूँ मोस्टली हर नवरात्रों में, तो अभी इसको पढ़ती हूँ। उसके बाद करूँगी आरती। आलू उबलने मैंने रख दिया है, इतना बन जाएंगे आलू उबल जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो पूजा मेरी हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ फिर किचन में, तो बनाते हैं खाना। आलू मेरे उबल चुके हैं, छील भी लिया मैंने, अभी सब्जी बनाऊँगी फिर पूरी। तो ये आ गई है मन्नू के स्कूल की बुक, फोर्थ क्लास की, इसमें कॉपी है और इसमें बुक्स हैं, ये ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह है। तो वो गिर गया ये है कवर, और मुझे अभी चढ़ाने हैं कवर क्योंकि कल स्कूल में बुक्स लेके जानी है। और इधर कर रही है ये अपना काम, और काफ़ी खुश है क्योंकि फर्स्ट टाइम काम कर रही है ना, फोर्थ क्लास का है ना। और एक वो बैठा हुआ है हमारा लड़का, बहुत ही नोटी है, बहुत ही ज़्यादा, अभी गिर गया था वो बेड से नीचे, है ना। आराम से बैठा करो, फिर हमेशा दंगा ही करता रहता है, सारे कलर फैला रखे उसने यहाँ से उठा के। तो किसी के साथ इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।